न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके के सबवे स्टेशन में हुए धमाके की घटना, गोलीबारी की घटना ने इस पूरे इलाके को दहला के रख दिया है। इस वक्त हम उसी ट्रेन स्टेशन, उसी ट्रेन ट्रैक के ऊपर एक सबवे स्टेशन के अंदर हैं, क्योंकि वो वाला स्टेशन जहां ये घटना हुई थी मंगलवार की सुबह में, उसे बंद कर रखा है, लेकिन इसके आगे के जो स्टेशन्स हैं उन्हें खोल के रखा गया है। वहां पे ट्रैफिक की आवाजाही है, लेकिन ये एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा के इंतजामों की कमी यहाँ सबवे स्टेशन्स में नज़र आती है। आप सबवे में इस तरीके से दाखिल होते हैं, इस तरीके से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। भारत के मेट्रो स्टेशन्स में जब आप जाते हैं तो आपको फ्रिस्किंग से गुजरना पड़ता है, यानी आपकी जांच होती है, आपका सामान जो है उसकी भी जांच होती है, उसको स्कैनर से गुजारा जाता है और उसके बाद आप किसी मेट्रो स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप किसी मेट्रो स्टेशन के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको ऐसी किसी भी सुरक्षा से नहीं गुजरना पड़ता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि फिलहाल इस जगह पर सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि जांच चल रही है, जो मंगलवार को घटना हुई उसकी जांच चल रही है। लेकिन इस तरीके से आम तौर पर जो लोगों की आवाजाही होती है, लोग जब आते जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर बस केवल वो यहाँ से टिकट लेते हैं, टिकट लेके अपना टिकट यहाँ से स्कैन करने के बाद आप गेट से अंदर जाते हैं और सीधे ट्रैक पर पहुँच जाते हैं, यानी उस जगह पर जहाँ पर मेट्रोज हैं। कुछ इसी चीज़ का, इसी लूपहोल का फ़ायदा उस शख्स ने उठाया जिसने इस घटना को अंजाम दिया। उसने ट्रेन के अंदर जैसे ही वो 36 स्ट्रीट जिस पे जो यहाँ से केवल दो ब्लॉक आगे है, उस स्ट्रीट के स्टेशन के ऊपर जैसे ही ट्रेन अंदर दाखिल हुई, उस शख्स ने दो कैनिस्टर बम ट्रेन के अंदर जो वैगन कार होती है, यानी ट्रेन की बोगी होती है, उसके अंदर नीचे डाले, जिससे अफरा तफरी मच गई, जिससे लोग घबरा कर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, धुएं के कस से बचने की कोशिश करने लगे। और उसी समय उस शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग उसने करीब 33 राउंड फायर किया, उसने 33 गोलियां दागी और उसके कारण करीब 10 लोगों को वो गोलियां लगी और साथ ही इस भगदड़ के कारण 13-14 लोग घायल हुए हैं। और इस घटना में अब तक 28 लोग जो हैं वो प्रभावित विक्टिम बताए जा रहे हैं, जिनको चोटें आई हैं, जिनको गन वुंड्स आए हैं, यानी जिन्हें गोलियां लगी हैं, और इनमें करीब 5 लोग जो हैं उनकी हालत कुछ गंभीर भी है, और जो 10 लोग घायल हुए हैं उसके अंदर 7 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। ये तमाम तस्वीर जो है वो ये बताती है कि किस तरीके से अब गन कंट्रोल को लेकर सवाल और तीखे हो रहे हैं अमेरिका में। साथ ही इस चीज़ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्यों नहीं अमेरिका में भी, क्यों नहीं न्यूयॉर्क के सबवे स्टेशंस में भी सुरक्षा के इंतज़ाम उस तरीके के किए जाते हैं जिस तरीके के सुरक्षा इंतज़ाम आपको भारत में भी देखने को मिलते हैं। भारत जैसे देश में जहां मेट्रो स्टेशंस के अंदर स्कैनिंग और स्क्रीनिंग होती है, लेकिन अमेरिका के जो सबवे स्टेशंस हैं, न्यूयॉर्क के जो सबवे स्टेशंस हैं, उसमें इस तरीके की कोई स्क्रीनिंग, कोई जो है फ्रिस्किंग वो नज़र नहीं आती, सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं होते हैं। केवल जो टिकट का ऑफिसर होता है, जो टिकट जारी करता है, टिकट देता है, वो उसका एक केबिन होता है और साथ ही आप सेल्फ स्कैन कर स्कैन करके और निकल जाते हैं। और इस तरीके से आप देखें कि लोग जो इस ट्रेन स्टेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से जो लोग यहाँ जा रहे हैं वो अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, टिकट का इस्तेमाल करते हैं और वो यहाँ गेट से अंदर दाखिल होकर सीधे मेट्रो स्टेशन पर पहुँच जाते हैं, जिसमें कहीं कोई सुरक्षा के का की फ्रिस्किंग नहीं है, कोई स्कैनिंग नहीं है, बस लोग आते हैं, अपना टिकट का इस्तेमाल करते हैं और सीधे ट्रेन ट्रैक तक पहुंच जाते हैं। और शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उस शख्स ने उठाया जिसने मंगलवार की सुबह घटना को अंजाम दिया और उस घटना ने पूरे ट्रैफिक सिस्टम के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। कैमरामैन सचिन कपूर के साथ प्रणय उपाध्याय, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, ABP न्यूज़।